के लिए ले ली इतनी फीस। आप सभी जानते हैं हाल ही में रेलवे स्टेशन पर एक भिखारिन जैसे दिखने वाली महिला जिसका नाम रानू मंडल है, जिसने लता मंगेशकर जी का प्रसिद्ध गाना गाया एक प्यार का नगमा है, इससे सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना हिट हुआ कि अब वे बॉलीवुड फिल्में में भी गानों से डेब्यू करने जा रही है। जी हाँ, उन्होंने हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म में उसका टाइटल सॉन्ग हिमेश रेशमिया के साथ गाया है, जिसकी एक छोटी सी झलक सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वीडियो के रूप में जमकर वायरल हो रही ये झलक काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। लेकिन इससे बड़ी बात ये भी है कि हिमेश रेशमिया जैसे बड़े कलाकार ने रानू मंडल की प्रतिमा को पहचाना और उसको मौका दिया। इसके बाद अब वे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उन्हें अपने फिल्मों में काम करने का मौका दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनका हालचाल भी जान रहे हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे अपने फिल्मों में गाना गाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि रानू मंडल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हिमेश रेशमिया की आने वाली फिल्म में उनके द्वारा गाए गए गीत के बोल तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी, जिसकी छोटी सी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह गाना इतना जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है कि देखने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो महिला रेलवे स्टेशन पर गीत गाती थी ताकि उसे दो वक्त का खाना नसीब हो, लेकिन वो अब हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में एंट्री कर नई पहचान बना चुकी है। हाल ही आई रिपोर्ट में रानू ने कितने पैसे लिए तो आपको बता दे कि पहले रिकॉर्डिंग के लिए फीस के रूप में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए दिए गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वे पैसे नहीं ले रही थी, हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को जबरदस्ती फीस के पैसे दिए हैं। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी कहा है कि वह अपने आने वाली फिल्म में उन्हें गाने का मौका देंगे। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर भी इस बारे में चर्चा हो रही है, उनकी फिल्म में भी रानू मंडल का एक गाना सुनने को मिलेगा। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।